बताएंगे आपका पहाड़ पॉलिटिक्स में क्या कुछ आज खास है, क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है टिहरी, या फिर बात करें हम धनौल्टी विधानसभा सीट की, तो यहां से कांग्रेस को अब अपने सिंबल पर प्रत्याशी मैदान में उतारने पड़े हैं, क्योंकि अगर बात की जाए दिनेश धने की या फिर प्रीतम पवार की, उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त, आपको बता दें कि जिस तरह से पीडीएफ को लेकर लगातार ये कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति थी कि क्या यहाँ पर कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ेंगे, या फिर कांग्रेस पीडीएफ के जहां पर प्रत्याशी खड़े होंगे वहां अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी। तो टिहरी सीट की बात करें जिसको लेकर किशोर उपाध्याय नाराज भी रहते थे, तो किशोर उपाध्याय को सहसपुर भेज दिया गया, जबकि अब टिहरी सीट से भी प्रत्याशी अपना उतारना पड़ा है कांग्रेस को। तो नरेंद्र चंद्र रमोला को टिहरी से प्रत्याशी बनाया है, जबकि प्रीतम सिंह पवार के सामने अब यहां पर चुनाव लड़ेंगे मनमोहन मल्ल धनौल्टी से। तो एक बड़ी खबर है उत्तराखंड कांग्रेस से। और वही रामनगर से भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, पार्टी के कई कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। जी हां, चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पे झटके मिल रहे हैं, जहां प्रीतम सिंह पवार ने और इसके अलावा दिनेश धने ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वही रामनगर से अगर बात करें तो एक दर्जन ग्राम प्रधान बीएसपी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस से नाता तोड़कर। बीडीसी मेंबर समेत ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ने बीएसपी का दामन थाम लिया है। रणजीत रावत को रामनगर से टिकट दिए जाने का ये लोग लगातार विरोध कर रहे थे। रुड़की की ज्वालापुर विधानसभा से भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यहाँ ब्रजरानी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई है, ज्वालापुर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है ब्रजरानी, और टिकट नहीं मिलने से ये भी कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज है। तो कांग्रेस में जब से टिकट की घोषणा हुई है लगातार नाराजगी सामने आ रही है, कहीं नारों के रूप में, कहीं तोड़फोड़ के रूप में, तो कहीं यहाँ पर बागी लोग देखने को मिल रहे हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़ छोड़ कर फिलहाल दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि कांग्रेस के यहाँ पर दफ्तर में देहरादून में किस तरह से सहसपुर में टिकट को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, और कार्यकर्ताओं ने जो तोड़फोड़ की, जो हंगामा मचाया, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि 8 पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस ने कार्रवाई की है, सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। तो जिन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है जरा उनके नाम भी आपको बता दें, इनमें है जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद तालीम, जिला सचिव लक्ष्मी शर्मा, जिला संगठन सचिव अनिल घराटी, जिला कार्यकारिणी सदस्य बीना, ब्लॉक अध्यक्ष सहसपुर चौधरी संजय कुमार, सैलाकुई नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक नेगी, सैलाकुई नगर पंचायत महामंत्री हरीश बिष्ट, और सैलाकुई से ही नगर पंचायत सचिव श्रीमती मेहरुना। तो ये वो नाम है जिन्हें फिलहाल अब कार्रवाई झेलनी पड़ रही है, क्योंकि प्रदर्शन इन्होंने किया था कांग्रेस के मुख्यालय में देहरादून में, जमकर तोड़फोड़ हुई थी, नारेबाजी की थी, और इसके बाद अब पार्टी ने इनके खिलाफ कदम उठाया है। तो एक और झटका लगा कांग्रेस को हरिद्वार से। जी हां, बीजेपी ने सेंधमारी कर ली और कांग्रेस को यहां एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस के दर्जाधारी मंत्री संतोष कश्यप अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव दिलशाद और 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके आदित्य कोठारी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही संतोष कश्यप ने मुख्यमंत्री पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में उन्हें अब जनता सबक सिखाएगी। इसी बीच विजय बहुगुणा ने कहा कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि हरीश कांग्रेस से है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई बहन के रिश्ते तो पवित्र होते ही हैं, वो हमेशा रहते हैं, लेकिन जब भाई विनाश की तरफ कदम बढ़ा दे कि प्रदेश का विनाश हो, और अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं की जिन्होंने पार्टी को सींचा है, जिन्होंने पार्टी को यहाँ तक लाए हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने तक में, और उन लोगों को निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो। जिन लोगों ने 2012 में कांग्रेस जिताई थी वो भारतीय जनता पार्टी में अकेले हरीश रावत जी आज एक हरीश कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, उम्मीदवार सब लिस्ट निकाल नहीं पा रहे हैं।
तो कांग्रेस में जिस तरह से टिकट बांटे गए हैं उसमें वो लोग भी कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगे हैं जो अब तक मुख्यमंत्री और कांग्रेस सरकार का बचाव करते आ रहे थे। कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने साफ कहा है कि जिस तरह से डीडी हाट का टिकट तय किया गया है, जिस तरह से डीडी हाट के प्रत्याशी को धन बल के आधार पर मैदान में उतारा गया है, ये कहीं से भी अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड में हम जानते हैं कि ब्राह्मण और राजपूत ये दो मुख्य जातियां हैं जो यहाँ पर दिशा और दशा तय करती है चुनाव की, और इनको ही ध्यान में रखकर संतुलित लिस्ट जारी करने की कोशिश हर पार्टी की होती है। तो मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि यहाँ अगर हम देखें पिथौरागढ़ से तो ब्राह्मण उम्मीदवारों को उतारा जाना चाहिए था, लेकिन ब्राह्मण उम्मीदवारों को ना उतार कर यहाँ ठाकुर उम्मीदवार को उतारा है और इसकी वजह से कांग्रेस को इसका खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये आपने बिल्कुल सही बात आपने कही कि डीडी हाट में टिकट पार्टी ने सोच समझ कर नहीं दिया है, और जिसने भी निर्णय किया है डीडी हाट के टिकट पर वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमें ये उम्मीद नहीं थी। तो हरीश रावत गाहे बगाहे उन लोगों पर निशाना साधते रहते हैं जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता विजय बहुगुणा निशाना साध रहे हैं हरीश रावत पर। उनका कहना है कि जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी उनकी जेब में टिकट था, इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन जिन लोगों को बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया उन्हें कांग्रेस गले लगा रही है। तो विजय बहुगुणा ने एक लाइन में कहा कि बीजेपी के रिजेक्टेड माल को कांग्रेस अपना रही है। हमारे साथ लोग कांग्रेस का टिकट के उनके जेब में था, वो टिकट को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए, नीति के लिए गए, 9 महीने का त्यागपत्र देके गए। कांग्रेस जिनको ले रही है वो है जो बीजेपी से रिजेक्टेड, जिनके टिकट कट गए, तो वो रिजेक्टेड माल बेचेंगे या अच्छा माल बेचेंगे जनता तय करेगी। तो टिकट को लेकर मारा मारी है। सतपाल ब्रह्मचारी उनके समर्थकों ने किस तरह से ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को टिकट दिए जाने के खिलाफ मोर्चा खोला था हम सब जानते हैं। तो भागे भागे मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे सतपाल ब्रह्मचारी को मनाने, तो काफी मान मनोबल के बाद सतपाल ब्रह्मचारी भी मान गए, लेकिन इतने से भी मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं था। तो बाकायदा सतपाल ब्रह्मचारी को और उनके समर्थकों को शपथ दिलाई गई कि वो पूरी निष्ठा के साथ ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी को जिताने के लिए काम करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भी मौजूद थे। 10 साल में बूढ़ा हो रहा हूँ। और बीजेपी ने एक और गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। बीजेपी का कहना है कि उसके पास ऐसी गुप्त रिपोर्ट है जो इस बात को पुख्ता करती है कि राज्य सरकार ने कई इलाकों पर चुनाव में बांटने के लिए शराब इकट्ठा कर ली है। बीजेपी का कहना है कि देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल की डीओ सरकार के दबाव में चुनाव के लिए शराब इकट्ठा कर रहे हैं। बीजेपी ने शराब की पेटियों का खुलासा होने के बाद कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं आबकारी महकमा इस मामले में फिलहाल किसी भी तरह की जानकारी से इनकार कर रहा है। आबकारी विभाग का कहना है कि अगर किसी मंत्री का रिश्तेदार बार महकमे में है तो वो सरकारी कामकाज के लिए है, न ही किसी को निजी लाभ पहुंचाने के लिए। उत्तराचल में जो आबकारी विभाग में तैनात अधिकारी हैं वो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, शराब मुहैया करा रहे हैं, उन पर दबाव बन रहा है और वो कांग्रेस के लिए काम भी कर रहे हैं। देहरादून के आरटीओ जिन्होंने गाड़ियों की परमिशन देनी है वो गाड़ियों की परमिशन नहीं देते हैं, मोबाइल बंद करके बैठ जाते हैं। चुनाव आयोग के हिसाब से 24 घंटे में हमको परमिशन मिलनी चाहिए, वो 72 घंटों में भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। अब कौन किसका भाई है इसके लिए, अगर कोई राजकीय सेवा में है और किसी का भाई है तो इसमें तो कुछ कहा किया नहीं जा सकता है, बशर्ते क्योंकि मुख्यालय का काम इस तरह का नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा जनपद की एक्टिविटीज़ को एडवर्स रूप से अफेक्ट कर पाए। तो विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल अल्मोड़ा में इन दिनों, और कल ही उन्होंने जागेश्वर विधानसभा सीट से अल्मोड़ा में अपना नामांकन भी दाखिल किया। तो फिलहाल चुनाव से पहले जो दल बदल का सिलसिला तेज हो चला है उस पर गोविंद सिंह कुंजवाल ने काफी चिंता जताई है। उनका कहना है कि चुनाव लड़ने वाले लोग अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत हितों के लिए काम कर रहे हैं, यही वजह है कि आज राजनीति में अच्छे लोगों की भारी कमी हो गई है। मैं समझता हूँ इधर जो राजनीति में गिरावट आई है उसका मुख्य कारण जो है, अब जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, विशेष रूप से अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत हितों के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे लोग भी राजनीति में प्रवेश करना पसंद नहीं कर पा रहे। तो ये मैं समझता हूँ हमारे इस देश के लिए बहुत भविष्य के लिए नुकसानदायक है।
ऐसा मैं मानता हूँ।